हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वृंदा टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और आज की जो रीडिंग होगी वहाँ पर हम देखने वाले हैं हु इज कमिंग टू वर्ड्स यू रोमांटिकली। ओके, मतलब मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ कि आपकी लव लाइफ में कौन आने वाला है। अगर आप लोग सिंगल हो, ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। एंड यस, एज आई सेड, हम यहाँ पर देख रहे हैं वो पर्सन जिनके साथ आप लोग रिलेशनशिप में जा रहे हो या जिनके साथ आपका आपको प्यार हो रहा है, वो पर्सन कौन है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। साथ ही साथ टाइमिंग भी देखेंगे कि ये पर्सन आपकी लाइफ में कब तक आएंगे। ठीक है, तो आप लोग सिंगल हैं एंड मेल फीमेल किसी भी जेंडर के हैं, आप सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। साथ ही साथ ये रीडिंग टाइमलेस होगी, तो आप लोग इसे कभी भी देख सकते हैं। और दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि जनरल रीडिंग है, आपके साथ कुछ मैसेजेस रेजोनेट हो सकती है, या ऐसा कह सकते हैं कि इस रीडिंग में से कुछ मैसेजेस आपके लिए हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं, तो इस बात का जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। और आज आपको दिख रहे हैं यहाँ पर तीन कार्ड्स। ठीक है, जो भी कार्ड आपको ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है आप उस वाले कार्ड को देख सकते हैं। जिन लोगों का अट्रैक्शन मतलब दो कार्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तो आप लोग दो कार्ड्स की रीडिंग को भी देख सकते हैं, बट कोशिश करिएगा कि आप किसी एक रीडिंग को देखें। ठीक है, एंड जिन लोगों को डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है आप लोग डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी रीडिंग को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको नजर आ जाएगा कि किस ऑप्शन की कौन सी डेट ऑफ बर्थ है। सो ये वाली कार्ड है ऑप्शन नंबर वन के लिए। जिनको भी ये कार्ड अट्रैक्ट कर रही है वो इस कार्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं, और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 से 10 के बीच में आती है किसी भी मंथ के, आप ऑप्शन नंबर वन की रीडिंग को देखेंगे। ऑप्शन नंबर टू के लिए है ये वाली कार्ड, और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है 11 से 20 के बीच में किसी भी मंथ के, तो आप ऑप्शन नंबर टू की रीडिंग को देखेंगे। ऑप्शन नंबर थ्री के लिए है ये वाले कार्ड, ओके? और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 21 से 31 के बीच में आती है किसी भी मंथ के, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर थ्री की रीडिंग को। आई होप सो अभी तक आपने ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आराम से वीडियो को पॉज कर ले, फोकस करें तीनों कार्ड्स के ऊपर में, फिर सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको अपने लिए पर्सनल लिंक्स चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम की प्रोफाइल लिंक मिल जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलरली रीडिंग्स मिलती रहे। आपके सजेशन, आपके कमेंट्स जरूर मुझे बताइएगा। और यस, आप कोई टॉपिक है जिसको रिक्वेस्ट करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जाके लिखे जरूर। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो ऑप्शन नंबर वन, वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से 10 के बीच में है या फिर आपने इस वाले कार्ड को सिलेक्ट किया है। लेट्स सी आपकी लव लाइफ में कौन आ रहा है, कौन है वो पर्सन जिनके साथ आप लोग रिलेशनशिप में जाने वाले हो, जिनके साथ आपका प्यार बन रहा है, प्यार का रिलेशनशिप बन रहा है, एंड ये पर्सन आपके साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो पर्सन कौन है। ठीक है, और हम यहाँ पर आप लोगों के लिए टाइमिंग भी देखेंगे। ठीक है ना, तो रीडिंग को पूरी देखिएगा, वीडियो को जरूर लाइक करिए, एंड आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा जरूर आपको कैसी लगी ये रीडिंग। ओके, सो ऑप्शन नंबर वन के लाइफ में कौन आने जा रहे हैं। दिस इज द कार्ड ऑफ लियो। ठीक है, तो ये जो पर्सन है वो लियो हो सकते हैं। मार्स फर्स्ट हाउस, ओके। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है वहाँ पे काफी स्ट्रांग चांसेस है कि ये जो है ये व्यक्ति उनके बर्थ चार्ट में फायर साइन की जो प्रेजेंस होगी वो ज्यादा हो सकती है, लाइक एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ओके। एंड या फिर इस पर्सन की सन मून साइंस जो है वो लियो हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, सैजिटेरियस हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट ये पर्सन कोई फायर साइन है। यहाँ पर जो कार्ड्स निकले हैं वो ये बता रहे हैं कि ये जो होंगे पर्सन वो आप लोगों के लाइफ में जो जब आएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पर्सन बहुत ही ज्यादा फायरी है। ठीक है, हर एक सेंस में आपको बहुत ज्यादा ये फायरी नजर आएंगे। साथ ही साथ विद द कार्ड ऑफ लियो, लियो का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि एक ऐसी एनर्जी है जो किंग की तरह है, एम्परर की एनर्जी आप समझ सकते हैं। जो टैरो कार्ड में एम्परर कार्ड जब आता है तो उसके साथ जो एनर्जी आती है समवेयर, थोड़ी थोड़ी वो एनर्जी जिस पर्सन के अंदर रहेगी। तो आप इसको देखोगे तो ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन काफी टॉल हो सकते हैं, काफी स्ट्रांग बिल्ट हो सकती है, इनकी आवाज काफी बोल्ड हो सकती है, इनके बोलने का स्टाइल जो है वो काफी स्ट्रांग हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, वॉइस हेवी हो सकती है अगर मेल है, फीमेल है फिर भी वैसा हो सकता है। ठीक है, एंड इनकी प्रेजेंस बताएगी दैट बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी है इसकी, ओके। ऑल्सो बहुत ही रिस्पेक्ट जो है ये डिमांड करते हैं। ठीक है, मतलब
किसी किसी के एटीट्यूड से पता चल जाता है कि इसको बहुत रेस्पेक्ट चाहिए, ठीक है, या फिर अगर इसे कोई मजाक में भी कुछ ऐसा बोल दे तो वो तुरंत वहां से उठ के चला जाए, उस तरीके के ये पर्सन होने वाले हैं, ठीक है ना। एंड बहुत ही कॉन्फिडेंट होने वाले हैं। एंड मार्स का जब कार्ड आता है तो ये कार्ड मुझे समवेयर बता रहा है कि बहुत ही काम के प्रति इच्छुक है, बहुत ही ज्यादा इनके अंदर एनर्जीज रहती है, बहुत जल्दी थकते नहीं है, एक फाइटिंग स्पिरिट इसके भीतर रहती है। और ये दोनों कार्ड जब कॉम्बिनेशन में आए हैं तो मुझे यहाँ पे बताया जा रहा है दैट इनके अंदर गुस्सा भी बहुत ज्यादा होने वाला है, ठीक है, गुस्सा भी बहुत ज्यादा होगा, बहुत जल्द नाराज हो जाएंगे और ईगो इनका बहुत जल्द हर्ट होता है, वैसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और यस, विद द कार्ड ऑफ फर्स्ट हाउस और ये तीनों कार्ड जब कॉम्बिनेशन में आए हैं, यहाँ पे बता रहा है थोड़े से इगोस्टिक हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है, इनको लगेगा कि मुझसे बेहतर कोई और नहीं है, कॉन्फिडेंस है इनके अंदर बट थोड़ी सी वो घमंड वाली बात भी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। इनको लगेगा या फिर इनके पास ऐसा कुछ हो सकता है, ये बहुत गुड लुकिंग हो सकते हैं, इनकी पोजीशन, इनकी पावर कुछ हो सकती है विद दिस क्राउन हियर, ठीक है, बट उस चीज का इनको घमंड होगा एंड ये एक नेगेटिव ट्रेट हो सकता है इसके भीतर में, इस पर्सन के भीतर, ठीक है ना, वो यहाँ पे नजर आ रहा है। बहुत ही हो सकता है ये पर्सन मीडिया से हो सकते हैं, जर्नलिज्म में हो सकते हैं ये पर्सन, ओके, सो दीज आर द थिंग्स यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। लेट मी सी मोर अबाउट दिस पर्सन, ये कैसे पर्सन होंगे। फॉर ऑप्शन नंबर वन, हु इज कमिंग इन देयर लाइफ, ओके, यहाँ पे कार्ड आ रहा है मैच्योरिटी का एंड दिस इज द कार्ड ऑफ इंटीमेसी, इमोशनल फ्रीडम, मैनिफेस्टेशन एंड लव, ओके। आप लोग, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर है जो वाकई में लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं या मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप लोग चाहते हो कि आपकी शादी हो जाए, ठीक है, या फिर आपकी लाइफ में कोई बहुत अच्छा पर्सन आए जिनके साथ आप लोग रिलेशनशिप में जाओ, सो इस तरह की कोई एनर्जी आप लोगों की हो सकती है। मुझे दिख रहा है कुछ लोग यहाँ पे अफर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, टू अट्रैक्ट लव इन योर लाइफ, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है, ओके। एंड आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन होने वाला है, ठीक है, मार्स का कार्ड भी बता रहा है कि ये जो रिलेशनशिप होगा वहाँ पे पैशन काफी ज्यादा होने वाला है, ठीक है, या तो आप या तो ये पर्सन लुक्स से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, लाइक फर्स्ट इंप्रेशन कैसा होगा आपका इनको देखने के ऊपर कि बहुत सुंदर है ये, ठीक है, इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, फिजिकल अपीयरेंस बहुत अच्छा है, इस तरह की एक इंप्रेशन बनेगी आप दोनों को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो पहले आपकी कोई क्वालिटी देख रहे हैं या आपका बिहेवियर देख रहे हैं तो उनको वो चीज़ पसंद आ रही है, वो नहीं है यहाँ पर, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है लाइक पहला जो इम्प्रेशन होगा, पहले मिलने पे जो चीज़ पसंद आएगी आपको इसकी और वाइस वर्सा, वो है लुक्स, सामने से ये पर्सन कैसा दिख रहा है, बहुत सुंदर, बहुत हैंडसम, वैसे वाली एनर्जी रहने वाली है आप दोनों की, बहुत स्ट्रांग फिजिकल अट्रैक्शन रहेगा, ओके। यहाँ पे मैच्योरिटी का कार्ड आ रहा है, तो यहाँ मैच्योरिटी का कार्ड है तो इस पर्सन के पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे, बहुत सारे नॉलेज होंगे जो वो आपको देंगे, ठीक है। एंड हो सकता है कि आपको इस पर्सन से कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ गाइड करेंगे ये पर्सन, और इनके भीतर कुछ तो होगी बात, ठीक है, कुछ बात होगी, इसका मतलब कि कुछ सिखाने लायक चीज होगी आपको, या तो इनके पास बहुत सारी बुकिश नॉलेज होगी या लाइफ का एक्सपीरियंस होगा जो आपको काम आएगा और ये पर्सन वो चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है ना, वो यहाँ पे नजर आ रहा है। बहुत सारे कैंडल्स हैं मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लाइक किसी ने इस पर्सन को या फिर आप लोगों ने जिन्होंने ऑप्शन नंबर वन सेलेक्ट किया है, आपने इस पर्सन को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट किया है कॉन्सियसली, ठीक है, वो नजर आ रहा है। सो लेट मी सी मोर, हु इज दिस पर्सन, यस, यहाँ पे नॉलेज का कार्ड है एंड हीलिंग का कार्ड है, हो सकता है ये पर्सन बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होने वाले, ये वाली एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, ये पर्सन बहुत नॉलेज इनके पास होगा, बहुत ज्ञान होगा, आपको ऐसा लगेगा कि इस पर्सन के पास मुझसे ज्यादा ज्ञान है, मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, इससे कुछ सीख सकते हैं, ओके। फॉर सम ऑफ यू दिस इज पॉसिबल कि ये पर्सन कोई टीचर, प्रोफेसर, गाइड, मेंटर, हीलर भी हो सकते हैं, ओके। यहाँ पे मुझे स्टार दिख रहा है, ठीक है, तो ये स्टार समवेयर बता रहा है इसके अंदर एक हीलर की एनर्जी हो सकती है, ओके। एंड हीलिंग का कार्ड है तो हो सकता है ये आपकी हीलिंग में हेल्प करे या ये पर्सन कोई हीलर हो सकते हैं। ऑल्सो नंबर 23 जो है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, या इस पर्सन का बर्थ डेट हो सकता है 23, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन ट्रस्टिंग द साइकिक गिफ्ट, आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा साइकिक हो सकते हैं, आपको फील होता है कि आपके पास कोई साइकिक गिफ्ट है, ओके, आप एंजल्स के साथ कम्युनिकेट करते हो, या हो सकता है कि आप कोई थेरेपी, एंजल थेरेपी या फिर
टैरो कार्ड रीडिंग्स हो, एस्ट्रोलॉजी हो, ऐसा कुछ काम करते हैं, ऐसा हो सकता है आप लोगों के लिए. ओके एंड आप लोगों की जो पर्सनालिटी है, मुझे समवेयर दिख रहा है कि आप लोग हमेशा इस चाहत में रहते हो कि आपसे कोई गलती ना हो, जैसे किसी इंसान का दिल ना दुखे, किसी और लिविंग बींग को आप हर्ट ना करो, ठीक है, किसी के साथ झूठ ना बोलो, बेईमानी ना करो. तो आप जो है अपनी अंदर एक प्योरिटी को मेंटेन करके रखना चाहते हो और उसके लिए बहुत कोशिश करते हैं आप लोग, ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है. ऑल्सो विद द कार्ड ऑफ द सन आई कैन सी कि आप हमेशा से एक ऐसे रिलेशन की तरफ रहे हो तलाश में जो वन टाइम हो और लाइफ टाइम हो, ठीक है, यानी किसी एक ऐसे पर्सन के साथ रिलेशन में जाओ जिसके साथ पूरी लाइफ आप लोग बिता सको, ऐसी कुछ आपकी चाहत हो सकती है. ये स्वान का कार्ड है, तो स्वान जो है वो बहुत कमिटेड होता है अपने पार्टनर के लिए, ठीक है, वो वाली बात यहाँ पे दिख रही है. एंड नंबर 12 इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, दिसंबर आपका बर्थ डेट हो सकता है. लेटर एस, लेटर डब्ल्यू, लेटर ई एन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है, लाइक आपके लिए या इस पर्सन के लिए, ठीक है ना, वो चीज़ दिखता है. ऑप्शन नंबर 1 के लाइफ में कौन आने जा रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आर दे अट्रैक्टिंग. रिकवरी एंड गिल्ट, ओके, फेथ, यहाँ पे मिस्टिसिज्म का कार्ड है, ओके, गिल्ट एंड ग्रीफ का कार्ड है, दोनों ऑलमोस्ट सेम एनर्जी है, एंड सर्विस का कार्ड है, कंफ्यूजन. सो यहाँ पे एक स्ट्रांग चांस दिख रहा है रिकवरी एंड मिस्टिसिज्म का है, तो आपके ये जो पर्सन आएंगे ना, हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ही मिस्टिक होने वाले हैं, बहुत ही नॉलेजेबल होने वाले हैं, ठीक है, हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, ओके, कोई नर्स हो सकते हैं, या हॉस्पिटल में वर्क करते हो, वो पॉसिबिलिटी यहाँ पे मुझे दिखाई जा रही है. ओके, ऑल्सो यहाँ पे हो सकता है कि आप या ये पर्सन किसी तकलीफ में रहोगे तब ये आपके लाइफ में आएंगे, या किसी चीज़ को रिलीज कर रहे हो, या आपसे कोई गलती हो गई है, या कोई फेलियर आपने देखा है, ठीक है, उस तरह की एक सिचुएशन रहेगी आपके लाइफ में, तब आप इनसे मिलोगे. किसी चीज़ का खो जाना, दुख में रहना, तकलीफ में रहना, या गिल्ट में रहना, परेशान रहना, वो वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है. कुछ लोगों की हो सकता है आपकी जब सेहत ख़राब है, ये कोई डॉक्टर आप उनसे मिलने गए, तो वो हो सकता है, ठीक है ना, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है. एंड देन वी हैव सर्विस एंड फेथ का कार्ड है, तो मुझे दिख रहा है कि आप लोग जब इससे मिलोगे तब एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा होगा, ठीक है. गिल्ट एंड ग्रीफ के बाद जब आप किसी तकलीफ के बाद निकलते हो उससे बाहर, एक पॉजिटिव मोमेंट जब आपके पास वापस से विश्वास आता है, मन में वो शक्ति आती है कि हमें कुछ करना है या फिर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, तो वो वाली आपके पास एनर्जी रहेगी. एंड समवेयर वहाँ पर ये पर्सन आपकी हेल्प करने वाले हैं, ठीक है. एंड विद द कार्ड ऑफ फेथ एंड सर्विस, ये पर्सन आपके अंदर एक फेथ, एक होप जगाने में हेल्प करेंगे, ठीक है. तो ये वाला बात यहाँ पे, ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है. तो चलिए देखते हैं कि आपका इस पर्सन के साथ कनेक्शन कैसा रहने वाला है. मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना, आपके बहुत सारे मन में जो सवाल है सालों से चले आ रहे हैं, कोई कन्फ्यूजन या कोई बात जो जवाब आपको चाहिए, या कोई रास्ता आपको नजर आए, कोई गाइडेंस चाहिए, तो वहां पर इस पर्सन की जो बात होगी वो आपको बहुत ज्यादा गाइड करेगी, आपके मन के जो सवाल है उसको सुलझाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे ये पर्सन, ठीक है. 7 of Swords और बहुत क्लैरिटी रहेगी आप दोनों के बीच में, ठीक है, वो चीज दिख रही है. 7 of Swords, King of Swords, ओके, ये एक्स्ट्रा कार्ड है. Ace of Cups, ओके, आपका रिलेशन कैसा रहेगा इस पर्सन के साथ. ओके, Knight of Wands, स्टार का कार्ड है, King of Swords का कार्ड है, द Emperor, ओके,
सो एक चीज है, आप दोनों के बीच में रिलेशन रहेगा, ठीक है, ये रिलेशन आप दोनों के बीच में रहेगा, बट यहाँ पर समवेयर दिख रहा है कि ये जो पर्सन रहेंगे ना आपको बहुत सारी बातों के लिए ट्रिगर कर सकते हैं, या फिर आपकी लव लैंग्वेज, इस पर्सन की लव लैंग्वेज बहुत डिफरेंट होगी, जिसके चलते थोड़ी नोकझोंक होना और थोड़ी स्मूथली ना चलना चीज़ें, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है. ओके, लाइक हो सकता है कि आप ऐसे पर्सन हो जिसको बार बार आपको ये ज़रूरत पड़ती है कि मेरा पार्टनर जो है वो मुझे बार बार बताए या जताए कि वो मुझसे प्यार करता है, बोले, ठीक है, इमोशनल वे में, या बहुत रोमांटिक आप हो सकते हैं. बट ये जो पर्सन होंगे वो बहुत ज़्यादा ऐसा आपको नज़र आएगा कि कोल्ड हैं या एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या फिर इनको जैसे रहना चाहिए इन अ रिलेशनशिप आप जैसे चाहते हो वो वैसे नहीं है, ठीक है, डिफरेंट है, वो बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है अपने लव को लेके, ठीक है. तो इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये चीज़ थोड़ी सी परेशान कर सकती है, बट नेचर का डिफरेंस या लव लैंग्वेज की डिफरेंस हो सकती है, एक्सप्रेस करने का तरीका अलग हो सकता है, ठीक है, जिसके चलते आपको थोड़ा सा यहाँ पे लगेगा कि ये पर्सन जो है वो क्या है, क्या ये पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे रहेगी. विद द स्टार एंड द किंग ऑफ सोर्ड ये आपको हेल्प करेंगे ग्रो करने में, ठीक है, आपके लाइफ में डिसिप्लिन लाने में, आपकी कमजोरियों पे वर्क करने में, आपकी हीलिंग में भी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है. ऑल्दो आई कैन सी कि ये पर्सन हमेशा अपनी लव को एक्सप्रेस आपको नहीं करेंगे, आपको लगे कि थोड़े रूखे हैं, बट जब आप नाराज़ होगे डेफिनेटली ये एफर्ट डालेंगे आपको मनाने के लिए, ठीक है, ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहेंगे. ऑल्सो यहाँ पे सेवन ऑफ सोर्ड है और नाइट ऑफ वैंड्स है, ये पॉसिबल हो सकता है कि ये पर्सन अपने पास्ट की रिलेशनशिप या पास्ट की जो बातें हैं वो आपके साथ शेयर करना नहीं चाहेंगे, ठीक है, वो चाहेंगे बिल्कुल एक फ्रेश एनर्जी के साथ आपके साथ स्टार्ट करना या आगे बढ़ना. और अगर आप इनसे पास्ट की बात को पूछोगे, लाइक ये पास्ट में किसी के साथ रिलेशनशिप में हो सकते हैं, तो ये उस चीज़ के बारे में ना आपसे पूछेंगे कि आपका पास्ट क्या था और ना ही अपने बारे में बताना पसंद करेंगे, ठीक है. दिस इज द एनर्जी. ओके, नाउ एंजल्स के कार्ड से देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए. ऑप्शन नंबर वन के लिए क्या मैसेजेस है, कॉम्प्रोमाइज. यस, ये जो कनेक्शन होगा ना वो समवेयर आपको लगेगा कि थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, इस पर्सन को करना पड़ रहा है, बैलेंस बनाने में एफर्ट बहुत ज़्यादा डालने पड़ेंगे, ठीक है, ये रिलेशन स्मूथली चल सके इसलिए मेहनत करनी पड़ेगी. ओके, ऐसा आपको लगेगा कि मुझे ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए ताकि इसको बुरा ना लगे, सेम वे में उसको भी, यानी कि आपके पर्सन को भी वो एफर्ट डालना पड़ेगा अपनी तरफ से. कभी कभी क्या होता है कि दो पर्सन बिल्कुल एक जैसे होते हैं तो चीज़ें आराम से बढ़ती हैं आगे रिलेशन में, बट कभी कभी दोनों पार्टनर अलग होते हैं तो थोड़ा ज़्यादा सावधान, कॉशियस होने की ज़रूरत पड़ती है चीज़ों को लेके, एंड कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, ठीक है, तो वो वाली बात यहाँ पर रहने वाली है. इफ़ यू बिलीव, एंड लेट मी टेक वन मोर कार्ड, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन. सो यस, यहाँ पर ये पर्सन बिल्कुल नए पर्सन होंगे आप लोगों के लिए, अगर आप किसी पास्ट के पर्सन का वेट कर रहे हो, या फिर हो सकता है आपको लग रहा हो कि आप किसी को जानते हो, ये वही पर्सन है, देन आई कैन सी कि ये कोई एक नए पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, जिसको आप लोग अभी नहीं जानते हैं, या फिर आप लोगों के बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं होते हैं, ठीक है, दिस इज़ अ न्यू एनर्जी, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई जा रही है. चलिए देखते हैं टाइमिंग, आपकी लाइफ में ये पर्सन कब आएंगे. ओके, सो एट द एज ऑफ 28, तो कुछ लोग इनसे जब आपकी एज 28 हो रही होगी, आप 28th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होगे, तब आप इनसे मिल सकते हो. 4 years का टाइम कुछ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है. 7 months कैन बी इम्पॉर्टेंट, आप लोग 7th month में मिल सकते हो जब रीडिंग देख रहे हैं, या फिर 7th month में मिल सकते हो. 6 months आया है कुछ लोगों के लिए, ठीक है, कुछ लोग 6 महीने में मिलेंगे. एंड अक्टूबर एंड नवंबर का टाइम है यहाँ पर जब आप लोग मिल सकते हो एट द एज ऑफ 25. ऐसा हो सकता है इस पर्सन की एज 25 है, आपकी 28 है, वाइस वर्सा भी हो सकता है. सो दिस इज योर रीडिंग, ऑप्शन नंबर 1. आई होप सो रीडिंग आपको अच्छी लगी है, मुझे बताइएगा जरूर. हम मिलेंगे दूसरी रीडिंग में, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग. ऑप्शन नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग, आपने द वर्ल्ड का कार्ड सेलेक्ट किया है, लेट्स सी, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ से सेलेक्ट किया है, तो चलिए हम देखते हैं कि आपकी लाइफ में कौन आने जा रहा है और कब तक आ रहा है ये पर्सन. ओके, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए. फॉर पर्सनल लिंक्स आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू इंस्टाग्राम, आप लोगों को प्रोफाइलिंग डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है. ऑप्शन नंबर 2 के लाइफ में कौन आ रहा है, हु इज कमिंग टूवर्ड्स ऑप्शन नंबर 2.
वी हैव द कार्ड ऑफ 12th हाउस. 12th हाउस का कार्ड है यहाँ पर, एरीज कार्ड है. ज़ोडियक साइन एरीज जो है वो इस पर्सन का हो सकता है. एंड पाइसिस का कार्ड है. सो ऑप्शन नंबर टू यहाँ पर आप लोगों के लिए जो कार्ड्स आए हैं वो है एरीज, पाइसिस एंड 12th हाउस. तो ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन का जो ज़ोडियक साइन होगा वो एरीज हो सकता है, सन मून राइजिंग हो सकता है पाइसिस, ठीक है. एंड देन द 12th हाउस कार्ड है. और ये जो तीन कार्ड्स जो निकल के आए हैं वो मुझे यहाँ पे समवेयर बता रहे हैं कि आपके जो पर्सन होंगे वो बहुत ज़्यादा मिस्टिकल चीज़ों में उनका इंटरेस्ट होगा. साथ ही साथ मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो चीज़ों को ज़्यादा इमेजिन करते होंगे, बहुत ही इमेजिनेटिव होंगे. साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा फैंटेसीज में रहते होंगे. और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो पर्सन होंगे ना वो समवेयर नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होने वाले हैं. ओके, इनके लाइफ में विद द कार्ड ऑफ 12th हाउस उतनी ईजी लाइफ इनकी नहीं रही होगी, ठीक है ना. मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स इन्होंने अपने लाइफ में झेले होंगे. और जब आप इस पर्सन से मिलोगे तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इनको पता होगा कि इनका क्या काम है, इनका क्या पर्पस है इस प्लैनेट पे आने का. ओके, सो ऐसा हो सकता है कि आप इस पर्सन को देखोगे कि ये कोई ऐसा काम करते हैं जो लोगों के लिए है या किसी और की ग्रोथ के लिए है, ठीक है. तो वैसे हो सकता है, या फिर दूसरों को इंस्पायर करते हो, मोटिवेट करते हो. हो सकता है इस पर्सन को लिखने का शौक हो सकता है, पोएट राइटर हो सकते हैं, ठीक है. और बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे. ओके, ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे. एंड ये नेचर वाइज काफ़ी रोमांटिक होने वाले हैं, इमोशनल होने वाले हैं. एंड इनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी, ठीक है. बट इम्पल्सिव एक्शन लेने की इनकी आदत हो सकती है विद द कार्ड ऑफ एरीज, ठीक है. बिना सोचे समझे कुछ काम कर दिया, ठीक है. एंड हो सकता है थोड़े जो प्रैक्टिकल लाइफ है या प्रैक्टिकलिटी जो है उससे थोड़े दूर रहते होंगे, ठीक है. एंड चीज़ों को अच्छे से एनालाइज ना करते हो, अपने ही इमेजिनेशन में रहते हैं. तो उसके पॉजिटिव इफेक्ट भी देखते होंगे ये, और नेगेटिव इफेक्ट भी देखते होंगे. और नेगेटिव इफेक्ट क्या है, ये हो सकता है कि ये पर्सन क्योंकि इतने ज़्यादा इमेजिनेटिव है और हो सकता है इस वजह से वो सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं. तो उस तरह की एक एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है. एंड डेफिनेटली ये पर्सन काफ़ी लविंग होने वाले हैं, कंपैशनेट रहेंगे, दूसरों को माफ़ कर देना, ठीक है. बट यस, इनकी एनर्जी थोड़ी कंफ्यूजन भरी भी रहती है, मतलब कंफ्यूजन में रहते हैं या क्या सोचना है, क्या करना है वो नहीं कर पाते. इसलिए जब समय आता है तो हड़बड़ी में कुछ काम कर लेते हैं. हो सकता है ये पर्सन प्लानिंग करने में काफ़ी वीक होंगे, ठीक है. वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है. एंड यस, आई कैन सी इनकी जो एनर्जी है वो थोड़ी या बहुत ज़्यादा समझ सकते हैं, इनोसेंट होंगे, ठीक है. बच्चों के जैसा हो सकते हैं. एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा रहेगी इनके अंदर लाइफ को लेके. घूमना फिरना इनको पसंद हो सकता है. ओके, सो दीज आर द एनर्जीज. इनका काम हो सकता है, ये पर्सन एनिमेशन में हो सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हो सकते हैं. ओके, सो वो यहाँ पर नज़र आ रहा है. लेट मी सी मोर अबाउट दिस पर्सन. ये पर्सन कौन होंगे जो ऑप्शन नंबर टू के लाइफ में आने वाले हैं. यस, यहाँ पे कार्ड आया है लाइफ पर्पस का. ओके, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन अपने, जब भी आपसे मिलेंगे, अपने लाइफ पर्पस से कनेक्टेड हो चुके होंगे और कुछ अलग काम कर रहे होंगे, ठीक है. या फिर इनका इस प्लैनेट पे आने का क्या मकसद है, हो सकता है इनको पता चल गया हो, ठीक है. और वो उस काम में बहुत ज़्यादा अपने आप को डुबा के रखते हैं या करते हैं उस चीज़ को. बट लाइफ पर्पस यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इनको पता होगा अपना, ठीक है ना. एंड यहाँ पे इंटीमेसी का कार्ड है. सो आप दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग रहने वाली है, काफ़ी इंटीमेसी रहेगी, फिजिकल इंटीमेसी भी, इमोशनल इंटीमेसी भी. ओके, सो इंटीमेसी का कार्ड है तो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग को दिखा रहा है जो कि आप दोनों के बीच में रहेगी. एंड यस, दिस पर्सन विल बी वेरी रोमांटिक, वो चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है ना. एंड वी हैव द कार्ड ऑफ द सेक्रेड वुमन. यहाँ पे सेक्रेड वुमन का कार्ड है. एंड टॉरस की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है. और ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल चीज़ों को फॉलो करते होंगे. ओके, एंड अपने रूट से बहुत कनेक्टेड होने वाले हैं. या फिर ये पर्सन किसी ऐसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हो जहाँ पर अभी भी ओल्ड बिलीव्स को माना जाता है, कुछ पुरानी रीति रिवाजों को माना जाता है. तो ये पर्सन भी उस चीज़ में बिलीव करते होंगे, ठीक है. एंड आपको इस पर्सन की एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्योर लगेगी. सेक्रेड वुमन का कार्ड है तो
सेक्रेट वुमेन है तो ये काफी आपको फेमिनिन एनर्जीज में नजर आएंगे, ठीक है। मेल फीमेल किसी के लिए भी आप लोग देख रहे हो, आपको लगेगा कि ये पर्सन जो है बहुत ही फेमिनिन एनर्जीज है, इनकी फिजिकल अपीयरेंस या बॉडी फीचर्स भी सॉफ्ट हो सकती है, वॉइस सॉफ्ट हो सकती है एंड आईज बड़ी हो सकती है। इनके नेचर में या इनके बात करने के तरीके से आपको ज़्यादा पता चलेगा कि इनके अंदर दया की भावना है, ठीक है। तो उस तरह से आपको डेफिनेटली दिखने वाला है। ये पर्सन स्ट्रांगली वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कैन बी एरीज या फिर आप लोग एरीज हो सकते हैं, ठीक है ना। सो लेट मी सी, एंड हो सकता है एक पर्सन किसी ऐसे एरिया में रहता हो जहाँ पर सी है, कोस्टल एरिया में रहता है, दूसरा माउंटेनियस रीजन में रहता है, ठीक है, लाइक हिमाचल से हिमाचल में हो, उत्तराखंड में हो एंड अगर इंडिया में है तो, और दूसरा सी साइड में रहता हो, ठीक है, लाइक वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, लाइक किसी ऐसे जगह पे, किसी ऐसे स्टेट में या कंट्री में जहाँ बहुत सारे सी है। वी हैव फॉरगिवनेस एंड यहाँ पर भी मेरे ख्याल से फॉरगिविंग एनर्जी है, ठीक है। आई एम फॉरगिवर एंड आई फॉरगिव माई सेल्फ, तो ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन जो है ना अपने लाइफ में मुझे दिख रहा है कि या तो किसी एक पर्सन के साथ या किसी के साथ इनकी, और वो पर्सन इनका बहुत क्लोज होगा, पेरेंट्स हो सकते हैं, इनका भाई बहन हो सकता है या फिर कोई भी हो सकता है जिनकी साथ इनकी अच्छी नहीं बनती होगी, ठीक है। तो फिर भी इस पर्सन ने उनको माफ़ किया होगा, ठीक है। माफ़ करने की क्या अहमियत होती है, किसी को माफ़ करने से आप भी हील होते हैं और दूसरे वाले पर्सन को भी आप माफ़ करते हो, ठीक है। तो वो चीज़ इन्होंने अपने लाइफ में जानी होगी, तो आप देखोगे कि ये पर्सन आसानी से चीज़ों को माफ़ कर देते हैं, दिल पे किसी चीज़ को नहीं लेते हैं, ठीक है। एक बॉन्डिंग है वहाँ पे, शांति चाहते हैं ये पर्सन, लड़ाई झगड़े ड्रामास वो नहीं चाहते, ठीक है। सो ऐसा यहाँ पे मुझे दिख रहा है, लेट मी सी मोर, ये जो पर्सन है वो कौन है। यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया रोमांस का, ठीक है। यहाँ पे ग्रे लाइट की एनर्जी है एंड हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये जो पर्सन है यहाँ पे दो दो नाइट्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पर भी नाइट है, ओके। या तो इसको हॉर्स राइडिंग आती होगी, ओके, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन पुलिस में हो सकता है या कोई सोल्जर हो सकता है ये पर्सन, ठीक है, वैसा हो सकता है। एंड यहाँ पे सेक्रेट का मैसेज फिर से है, ओके, सीकिंग द सेक्रेट एंड यहाँ पर भी सेक्रेट वुमन है। तो ये पर्सन आपको देखेगा दैट यू आर वेरी प्योर, आप इनोसेंट हो, ठीक है, एंड समवेयर सेक्रेट की एनर्जी है। तो आपको कहीं ना कहीं ये पर्सन देखेगा कि आप बहुत मासूम हो, आपके अंदर बहुत ही सच्चाई है, ऐसा आपको देखेगा। और रोमांस का कार्ड है तो डेफिनेटली ये आपके साथ बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग रोमांटिक कनेक्शन में आएगा, ठीक है ना, या आएगी, लड़की है तो। सो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड नंबर सिक्स, यहाँ पे जून का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये पर्सन आपको लेके काफ़ी प्रोटेक्टिव रहेगा, ठीक है, आपको प्रोटेक्ट करने की यहाँ पे एनर्जी मुझे दिख रही है। नॉलेज एंड हीलिंग, सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है नॉलेज एंड हीलिंग का कार्ड है। तो ये पर्सन जो है ना, ये जो कार्ड है इसके यहाँ पे भी हॉर्स है, तो हो सकता है ये पर्सन हॉर्स राइडर हो या इसको आती हो, ठीक है। इसके पास एक पेट हो सकता है जो कि एक हॉर्स हो सकता है, ओके। अनदर थिंग इज दैट ये जो कार्ड सर्पेंट का आया है, मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि इस पर्सन को, ये पर्सन अपने रूट से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहता है, ठीक है। साथ ही साथ ये स्नेक का कार्ड है, तो मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन के जो चारों तरफ लोग होंगे या कोई एक पर्सन हो या चार पाँच लोग हो या इनके दूर के रिलेटिव्स हो, वो इस पर्सन के साथ अच्छी बॉन्डिंग शेयर नहीं करते होंगे, ठीक है। बट इन्होंने उनको माफ़ किया होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। सो ऐसे एनर्जीज है। ऑल्सो 23 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इस पर्सन का बर्थ डेट हो सकता है, ठीक है ना। एंड एज आई मेंशन, यहाँ पे जून का महीना इम्पॉर्टेंट हो सकता है। रिन्यूअल, इम्पेशंस, रिजेक्शन एंड इफ यू कैन सी, यहाँ पर एक पेंटर नजर आ रहा है, ओके, और एक कंफ्यूजन की एनर्जी भी है, ठीक है। तो ये पर्सन कंफ्यूज थोड़े रहते होंगे, हो सकता है ये पर्सन स्पेक्स पहनते हो, ओके, दैट इज द थिंग, लिखना इनको आता हो, ठीक है, लाइक एक राइटर भी हो सकते हैं, पोएट हो सकते हैं, या फिर अगर ये इनका प्रोफेशन नहीं है फिर भी इनको लिखना पसंद होगा।
एंड दिस इज द डिस्कवरी. ये आपसे जब भी मिलेंगे इनको इनका जो लाइफ पर्पस है वो पता चल जाएगा, ठीक है, या पता होगा. एंड फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि जब आप इनके कॉन्टेक्ट में आओगे थ्रू हिम और हर आपको भी आपका लाइफ पर्पस पता चलेगा, ठीक है. दिस इज द कार्ड ऑफ डिस्कवरी एंड अबंडेंस एंड रिलीज. ओके, फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे मिराकल का भी कार्ड. ऐसा हो सकता है कि ये कोई एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिसको कि आपने रिजेक्ट किया था, ठीक है, और फिर ये पर्सन जो है आपके साथ कनेक्शन में आ रहे हैं, या फिर हो सकता है कि इसने आपको रिजेक्ट किया था और ये एक ऐसा कनेक्शन हो सकता है जो आपको बिल्कुल मिराकल की तरह फील होगा, ठीक है. सो ये सिचुएशन आप लोगों के लिए हो सकती है ऑप्शन नंबर टू, कि आप में से कुछ लोग इस पर्सन को जानते हैं अपने लाइफ में, इस लाइफ में, और हो सकता है कि आप इनको पसंद करते हो, क्रश हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं, ठीक है. अगर आपको लग रहा है कि ऐसे किसी पर्सन को आप लोग जानते हो, देन वो पर्सन हो सकते हैं जो आपके लव लाइफ में आने वाले हैं. ओके, एंड फिर से कनेक्शन में आना वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है, या फिर इस पर्सन ने आपको आपके लाइफ में कभी हर्ट किया था, या हो सकता है कि ये पर्सन किसी और के साथ रिलेशन में था एंड फिर उस पर्सन को रिलीज करके या फिर उसके साथ उसकी रिलेशनशिप खत्म हो गई, फिर आपके साथ वो कनेक्शन में आए. दैट कैन बी द थिंग. ओके, वो चीज़ें यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है. एंड यहाँ पे कार्ड है इम्पेशेंस का और अबंडेंस का. इस ऑप्शन को जिन्होंने चुना है मुझे दिख रहा है कि आप लोग जो है बहुत टाइम से सिंगल हो, ठीक है, या हमेशा से सिंगल थे, या आपका फर्स्ट रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है. एंड यहाँ पे अबंडेंस है, इम्पेशेंस है. फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है कि आप इसको अपने बचपन से जानते हो, या आपके घर के आसपास हो सकता है. ओके, एंड कुछ लोगों के लिए आपका इनके साथ कोई लेन देन रहता है पैसों का, ठीक है. एंड इम्पेशेंस का कार्ड है, सो आप इस पर्सन के अंदर थोड़ी हड़बड़ी देखोगे, ठीक है. ये पर्सन थोड़ी हड़बड़ी में रहते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि इनको लगता है कि इनको बहुत सारे पैसे कमाने हैं और उसके लिए एक अच्छा प्लान इनके पास नहीं है, ठीक है. सो अपनी लाइफ में थोड़ी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ये पर्सन लैक करते हो, ऐसा हो सकता है. रिन्यूअल एंड डिस्कवरी का कार्ड है. मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका इस पर्सन से मिलना डेस्टिनी का वो रोल है, ठीक है. ऑब्वियसली हम किसी से भी अपने डेस्टिनी के अकॉर्डिंग ही मिलते हैं, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है लाइक ये पर्सन अपने लाइफ पर्पस को पहचान चुके होंगे आपसे मिलने से पहले, एंड आपको भी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, आपके लाइफ पर्पस को पहचानने को. या फिर आपके मन में कोई ऐसा आइडिया, कोई ऐसी बात है जिसको आप अपने लाइफ में लेके आना चाहते हो, बट हो सकता है कि आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं है, या आपको एक कन्फर्मेशन चाहिए किसी से, तो हो सकता है ये पर्सन आपको पुश कर सकते हैं उस डायरेक्शन में जो कि आपका लाइफ पर्पस हो सकता है, ठीक है. सो दिस इज द थिंग. एंड जब आप इस पर्सन के साथ कनेक्शन में आओगे तो ये वाली कार्ड मुझे बता रही है जैसे कि आपकी एनर्जीज में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपके अंदर चेंजेस हो सकते हैं किसी तरह से, आप बहुत ज्यादा शांत हो सकते हो, आप मेडिटेशन में आ सकते हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ में, या फिर ऐसा हो सकता है स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस जिसको कि आप लोग जानते हो वो चीज आप अपनी लाइफ में लेके आओगे, ठीक है. सो ऐसा एनर्जी यहाँ पे दिखाया जा रहा है. अब हम टैरो कार्ड से लेते हैं और देखते हैं क्या पता चल रहा है, ठीक है, फिर हम टाइमिंग भी देखेंगे. आपके रीडिंग करते समय कार्ड्स को शफल कर रहे हो तो बहुत सारे कार्ड्स इधर उधर गिर रहे हैं. थ्री ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ मून. ऐसा हो सकता है कि आप लोग फायर साइन रहो और ये पर्सन वाटर साइन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं. आप लोग किसी मंथ के 18 को मिल सकते हैं एंड 18th ऑफ मार्च, 18th ऑफ जून, ये डेट्स हो सकते हैं. द फूल, टेम्परेंस एंड किंग ऑफ कप्स, ठीक है. सो यस, यहाँ पे एक स्ट्रांग चांस है कि ये जो पर्सन होंगे वो किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर बहुत बड़ी समुद्र है या नदी है या कोई वाटर बॉडी है, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है. ऑल्सो ये पर्सन जो है वो एज आई सेड पहले बता दिया मैंने कि राइटर, पोएट हो सकते हैं, वो भी यहाँ पे कार्ड्स के थ्रू फिर से दिख रहा है मुझे. एंड मून का कार्ड है, सो क्रिएटिविटी को दिखा रहा है, इनके सबकॉन्सियस माइंड को दिखा रहा है. एंड विद द कार्ड ऑफ थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल, ये दो कार्ड्स यहाँ पे आए हैं,
ये दोनों कार्ड्स मुझे बता रहे हैं जैसे कि हो सकता है कि आप जब इस पर्सन से मिलोगे आपको बहुत ज़्यादा फील होगा, लाइक इस पर्सन को आप जानते हो पहले से, उस तरह की एक एनर्जी आपको मिलने वाली है इसके अंदर से। ऑल्सो आप दोनों के एनर्जीज में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। टेम्परेंस का कार्ड है तो हो सकता है आप लाइफ को लेके बहुत ही पेशेंस से बढ़ते हो चीज़ों को लेके, एंड ये पर्सन जो है वो हो सकता है हड़बड़ी में चीज़ों को करते हैं, इनके पास एक प्लानिंग नहीं रहती है, ठीक है। एंड टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पे एक लोटस है तो आप बहुत शांत रहते हो या आपके अंदर वो स्थिरता है, स्टेबिलिटी है, चीज़ों को अच्छे से संभाल सकते हैं आप। और इनकी एनर्जीज थोड़ी सी ऐसे हो सकती है लाइक एज आई सेड प्रैक्टिकल नहीं रहते हैं या प्लानिंग इनके अंदर नहीं रहती है, ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। द मून एंड किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, ओके, आप इनको सिखाने वाले हो कि अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल नहीं कहेंगे, बैलेंस करते हैं, ठीक है, कैसे संभालते हैं अपने इमोशंस को, वो आप इस पर्सन को सिखाने वाले हो, ठीक है। एंड यस, आप जब इसके लाइफ में जाओगे डेफिनेटली ये और ज़्यादा मच्योर होगा पर्सन, ठीक है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, सो किंग जो है वो बता रहा है जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना जानता है किंग, एंड ऐसा नहीं है कि वो लापरवाही से काम कर रहा है, ठीक है। सो ये एनर्जीज मुझे दिख रही है। लेट मी सी आप दोनों का कनेक्शन कैसा होने वाला है, और भी देख लेते हैं आपका इस पर्सन के साथ जो कनेक्शन होगा वो कैसा होगा। तो चलिए देखते हैं कि आपका इस पर्सन के साथ कनेक्शन कैसा होगा, रिलेशन कैसा होगा, और भी कार्ड्स हम यहाँ से लेके देख लेते हैं। फूल का कार्ड फिर से आया है, यहाँ पर भी फूल का कार्ड है, ओके। तो आप दोनों के कनेक्शन के बीच में दोस्ती बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। आप जब गलती करोगे, कोई रिस्क लेने वाले रहेंगे तो ये पर्सन, मतलब आप इनको गाइड करोगे, ये पर्सन गाइड करेंगे। जैसे आप एक डॉग दिख रहा है, ठीक है, तो ये क्या करता है कि एडवाइस करता है इस पर्सन को, फूल को, ये तुम आगे मत जाओ, आगे खतरा है, ठीक है। तो उसी तरह से आप इनको गाइड करोगे, ये इनको गाइड करेंगे, मतलब आप दोनों एक दूसरे को गाइड करेंगे, ठीक है ना, वो चीज़ दिख रही है। न्यू एंड एडवेंचरस लव, आपको फील होगा कि ये जो कनेक्शन है आपका इसके साथ बहुत ही एडवेंचरस है, ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। बहुत आपको फील होगा कि ये पर्सन आपके लाइफ में एक स्पार्क लेके आया है, ठीक है। हर्मिट, इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ लव, आप इस पर्सन के साथ जब कनेक्शन में आओगे तो आप अपने भीतर झांकोगे, ठीक है, आपको समझ में आएगा या फिर आपको फील होगा, आपको वो ज़रूरत फील होगी कि आप अपने भीतर झांको, इंट्रोस्पेक्शन करो, और साथ ही साथ सेल्फ लव की भावना आपके अंदर जागने वाली है, ठीक है ना, खुद से प्यार करना, वो चीज़ मुझे दिख रहा है। एंड चैरियट का कार्ड है डिटरमिन्ड एंड सक्सेसफुल लव, तो ये कनेक्शन आपके लाइफ में एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप की तरह निखर के आएगा, ठीक है। और डिटरमिन्ड है तो ये पर्सन जो है ना बहुत ही डिटरमिन्ड रहेंगे आपको लेके, जो भी एक्शंस लेने हैं आपके कनेक्शंस को अच्छा करने के लिए वो ये पर्सन डेफिनेटली लेंगे, ठीक है, वो नज़र आ रहा है। टू ऑफ कप्स का कार्ड है इमोशनल डिसीजन एंड यूनियन, टू ऑफ कप्स, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, बहुत अच्छी मेमोरीज क्रिएट करोगे। एंड ये जो टू ऑफ कप्स का कार्ड है सोलमेट का कार्ड भी होता है, तो ये पर्सन आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन फील करेंगे एंड आप भी इनके साथ सोलमेट कनेक्शन फील करोगे। एंड आई कैन सी कि फ्लावर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा फ्लावर्स पसंद होंगे, या फिर इसके घर के पास बहुत सारे फ्लावर्स हो सकते हैं, या फिर आपके घर के पास हो सकते हैं। लवर्स का कार्ड भी है, सो ये पर्सन आपके लाइक मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है ना। टेन ऑफ कप्स है तो बहुत स्ट्रांग कनेक्शन रहेगा आपका इसके साथ। और टू ऑफ कप्स है, टेन ऑफ कप्स है, आई कैन सी कि आप खुश रहोगे काफ़ी इस कनेक्शन में, ये कनेक्शन आपके लिए हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे भी लवर्स का कार्ड है, सो ये पर्सन आपके सोलमेट होंगे, बहुत ब्यूटिफुल कनेक्शन होने वाला है, एंड आप अच्छा अच्छी मेमोरीज बनाओगे इसके साथ, ठीक है। सो वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। एंड चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस इस कनेक्शन के लिए, फिर हम टाइमिंग देखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर टू के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है फॉर दिस कनेक्शन। नो का कार्ड आ रहा है, ओके, लेट मी टेक वन मोर कार्ड। सक्सेस का कार्ड है, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे बताया जा रहा है जैसे कि आप अगर इस रिलेशनशिप को ज़्यादा सक्सेसफुल बनाना चाहते हो, ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हो, देन ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के कनेक्शन में कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगी, ठीक है। एंड यहाँ पे कम्युनिकेट क्लियरली का कार्ड है, आपके लिए गाइडेंस है कि इस रिलेशनशिप में आपको अपने पार्टनर के साथ चीज़ों को बहुत अच्छे से
कन्वे करना है, अपने मैसेजेस को कम्युनिकेट करना है, आपकी जो भी मन में बातें हैं, एंड एक ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए आप दोनों के बीच में. ओके, एंड नो का कार्ड है तो हो सकता है कि आपको पता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं आपके भीतर. सो ऐसा हो सकता है कि जब आप इस कनेक्शन में जाओगे तो आप एक इंट्रोस्पेक्शन करोगे खुद की, और आपको लगेगा कि कुछ चीजें हैं जो आपको अपने अंदर से हटानी है या ना बोलना है अगर आप इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो. ठीक है, सो ये मैसेजेस आ रहे हैं, एंड लेट मी सी कि टाइमिंग क्या है, ये पर्सन आपके लाइफ में कब तक आएंगे. ठीक है, ऑप्शन नंबर टू के लाइफ में ये पर्सन कब तक आएंगे. मंथ ऑफ सेप्टेम्बर एंड दिसंबर कैन बी इम्पॉर्टेंट. इस महीने में आप लोग मिल सकते हो, एंड हो सकता है बर्थडेज हो सकती है आप लोगों की. 5 months जब आप रीडिंग को देख रहे हैं, एट द एज ऑफ 28 फॉर सम ऑफ यू, एंड दीज डेज कैन बी इम्पॉर्टेंट. आप इन इस दिन को मिल सकते हो एंड आफ्टर 5 months. ओके, एंड आई विल टेक वन मोर चीट. मंथ ऑफ अगस्त आया, ठीक है, तो हो सकता है कि जिस साल आप इस रीडिंग को देख रहे हो उसी साल आप लोग मिलोगे इस पर्सन से. ठीक है, मंथ ऑफ अगस्त, सेप्टेम्बर एंड दिसंबर, फ्राइडे, थर्सडे, मंडे एंड सैटरडे, ये डेज, ये मंथ हो सकते हैं इम्पॉर्टेंट. एंड फॉर सम ऑफ यू, आप अपनी 28th बर्थडे सेलिब्रेट करो एंड उस टाइम पे ये पर्सन आपको मिल सकते हैं. ठीक है ना, सो दिस इज योर रीडिंग, ऑप्शन नंबर टू. आई होप सो यू लाइक द रीडिंग, मुझे बताइए जरूर, एंड हम मिलेंगे दूसरे रीडिंग में. एंड अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग. ऑप्शन नंबर थ्री, वेलकम टू योर रीडिंग. आपने 4 of Wands का कार्ड सेलेक्ट किया या फिर आपकी बर्थ डेट से सेलेक्ट किया है, तो आपकी बर्थ डेट हो सकती है 21 से 31 के बीच में. ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि आपके लाइफ में कौन पर्सन आ रहे हैं, वो किस तरह के इंसान होने वाले हैं, कब तक आप लोग मिलोगे, कैसा होगा आपका इस पर्सन के साथ रिलेशन, बॉन्डिंग. लेट्स सी फॉर ऑप्शन नंबर थ्री, हु इज द पर्सन. स्कॉर्पियो, लियो एंड एक्वेरियस, ये साइंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. यहाँ पे तीनों कार्ड्स जोडियक कार्ड्स आए हैं, एक्वेरियस, लियो एंड स्कॉर्पियो, ये साइन. ठीक है, लाइक वाटर साइन है स्कॉर्पियो, फायर साइन है लियो, एंड एक्वेरियस एयर साइन है. यस, तो ये हो सकते हैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाले हैं. और आपकी पर्सन की अगर हम क्वालिटी की बात करते हैं, तो तीनों जो साइन है ना जोडियक, ये अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग ट्रेट को दिखाते हैं. ठीक है, सो ऐसा हो सकता है कि कुछ क्वालिटीज या कुछ ट्रेट्स जो है वो आपको आपके पर्सन के भीतर दिखेंगे, और कुछ नहीं भी दिख सकते हैं, बट क्योंकि तीनों कार्ड्स आए हैं मैं तीनों को बता रही हूँ. ठीक है, सो ये जो पर्सन होंगे आपके, जो आपके लव लाइफ में आने वाले हैं, फर्स्ट थिंग इज दैट इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक इंटेंस एनर्जी को आप फील करोगे. ठीक है, ये जो बातें बोलेंगे उस वो ऐसा बोल सकते हैं जिसकी कि जिसके मान लो आप उन्होंने एक ही वर्ड कहा या एक सेंटेंस कहा, उसके अंदर बहुत सारी मीनिंग छुपे हुए होंगे. ठीक है, ये बहुत गहरी बातें करते होंगे. ठीक है, या कहते हैं ना लाइक बहुत बड़ी बड़ी बातें करते होंगे. ठीक है, बट उसके लिए बहुत बड़े शब्द यूज़ करते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है. ठीक है, बहुत ही इसकी जो पर्सनालिटी होगी वो बहुत ही मैग्नेटिक होगी. ये पर्सन डार्क स्किन टोन के हो सकते हैं, एंड ये बहुत ही अट्रैक्टिव होंगे देखने को. ठीक है, एंड यू विल फील कि पर्सन आपको लेके बहुत पॉजिटिव है. ठीक है, विद द एनर्जी ऑफ स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत पॉजिटिव होती है, सो ये पर्सन आपको लेके बहुत ही पॉजिटिव होंगे. ठीक है, एंड सिक्रेटिव होंगे. ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन इस कनेक्शन के बारे में भी किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे. ये कनेक्शन हो सकता है एक हिडन कनेक्शन हो सकता है. ठीक है, एंड ये पर्सन इस कनेक्शन को छुपा के रखेंगे, और एज आई सेड पॉजिटिव होंगे बहुत ज़्यादा. ठीक है, एंड यहाँ पे लियो की एनर्जी है, आपको दिखेगा कि ये पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव है. ठीक है, इनके पास हो सकता है पावर पोजीशन है, खुद के ऊपर बहुत भरोसा रखते हैं, और हो सकता है कि ये पर्सन जहाँ रहते होंगे वहाँ बिल्कुल अकेले रहते हैं, इनकी फैमिली किसी और जगह रहती है, ये जॉब करते हो या किसी और वजह से किसी दूसरे सिटी में बिल्कुल अकेले रहते होंगे. ठीक है, इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी होने वाली है, एंड थोड़े ड्रामेटिक हो सकते हैं. ठीक है, बात बात पे थोड़े थोड़े छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाना, या अगर आपने इनको सही टाइम पे कॉल नहीं किया तो उस टाइम पे नाराज़ हो जाना, बार बार मनाना पड़ सकता है आपको. ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है. एक्वेरियस का कार्ड है, बहुत ही इंडिपेंडेंट एनर्जी है, फ्रीडम लविंग है. ठीक है, और जो चीज़ इनको गलत लगेगी ये बिल्कुल ना बोल देंगे, बहुत ही मॉडर्न ख्यालात के होंगे, पुरानी नियमों को, पुरानी वो क्या कहते हैं उसको, कानून को वो नहीं मानते होंगे. ठीक है ना,
यहाँ पे रिबेलियस का मैसेज है, अपने न्यू आइडियाज बनाना, उसको फॉलो करना, अपने नए रूल्स बनाना, उसको फॉलो करना, ऐसा आपको दिखेगा, ठीक है। एंड बहुत पार्टी करना इनको पसंद होगा, देखोगे कि बहुत टेक्नोलॉजी से एक पर्सन कनेक्टेड है, किसी टेक्नोलॉजिकल फील्ड में काम करते हो या टेक्नोलॉजीज की बहुत ज़्यादा इनको नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में बहुत अप टू डेटेड रहते होंगे, नॉलेज होगी इनके पास, ठीक है। सो ये एनर्जीज यहाँ पे दिख रही है। फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी यू कैन मीट दिस पर्सन थ्रू मैट्रिमोनियल साइट्स या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल सकते हो, डेटिंग एप्स पे भी मिल सकते हो, बट डेटिंग एप्स पे मिलना अच्छा उतना नहीं होता है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। सो ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है, बट यस यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये सारी चीज़ें, ठीक है। एंड लेट मी सी मोर, और देखते हैं क्या पता चलता है। ऑप्शन नंबर 3 के लाइफ में कौन आ रहा है, कौन है वो पर्सन, वर्दीनेस, सोलमेट का कार्ड है, ब्यूटीफुल। इंटीमेसी, अबंडेंस, डिवाइन फेमिनिन, सेक्रेट वुमेन, ओके। सो यहाँ पे वर्दीनेस है, सोलमेट्स का कार्ड है, ये पर्सन अपनी वैल्यू, अपनी इंपॉर्टेंस को पहचानते होंगे, ठीक है। ये पर्सन अपने आप को बहुत प्यार करते होंगे, इनके अंदर सेल्फ लव होने वाला है, ओके। ये जैसे हैं, इनके अंदर जो भी क्वालिटीज है, जो भी कमियां हैं, उन सभी चीज़ को ये एक्सेप्ट करते हैं पूरे दिल से, एंड एज अ पर्सन ये अपने आप को बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव क्वालिटी। ये अपने आप को बहुत प्यार करते हैं, अपनी इंपॉर्टेंस समझते हैं, तो फिर ये दूसरों को भी इंपॉर्टेंस समझते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ को पहचानते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है। एंड बहुत ही एक मैग्नेटिक एनर्जीज रहने वाली है इसकी, ठीक है। एंड हो सकता है समर सीजन कैन बी इम्पॉर्टेंट, समर सीजन में आप लोग मिल सकते हो, यू कैन मीट दिस पर्सन समवेयर जहाँ पे गार्डन है, ठीक है, वहाँ पे मिल सकते हैं, या कोई फॉरेस्ट एरिया है, या कोई पिकनिक स्पॉट है, वहाँ पे आप इस पर्सन से मिल सकते हैं। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ सोलमेट, यस ये पर्सन आपके सोलमेट होंगे, ठीक है। जो लोग यहाँ पे किसी सोलमेट कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, देन विद दिस कार्ड आई कैन से कि आपकी ऑप्शन नंबर 3 ये सोलमेट होंगे, ठीक है। ऑल्सो आई कैन सी फॉर सम ऑफ यू दिस कैन बी सेम जेंडर रिलेशनशिप, ओके, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। स्प्रिंग सीजन एंड समर सीजन ये इंपॉर्टेंट रहने वाला आपका, ठीक है, मिल सकते हैं आप लोग इस सीजन में, ठीक है। एंड और देखते हैं हमें क्या पता चलता है। नॉलेज एंड हीलिंग, तीनों ऑप्शंस के लिए ये कार्ड आया है, नॉलेज एंड हीलिंग। डिसरप्शन नंबर 12 इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, बर्थ डेट होगा इस पर्सन का, या फिर नंबर 23 और नंबर 5, ठीक है। आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई दिस कार्ड ऑफ सर्पेंट, आपकी रीडिंग में सर्पेंट का कार्ड क्यों आया है। प्रोटेक्शन एंड वाई इज दिस कार्ड ऑफ डिसरप्शन, बर्डन, फियर। ब्यूटी का कार्ड है एंड बटरफ्लाईज कैन बी इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे भी बटरफ्लाई है, ठीक है, और दोनों कार्ड्स मतलब दोनों बटरफ्लाईज है, और यहाँ पर भी आपके लिए ये कार्ड बॉटम में आया, ठीक है। बटरफ्लाई जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन को भी दिखाता है, एंड समवेयर स्प्रिंग सीजन जो है इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। एंड नाउ वी हैव द कार्ड ऑफ सर्पेंट एंड प्रोटेक्शन, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है डेफिनेटली आपको लेके बहुत पॉजिटिव होंगे, ऑल्सो बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी होंगे, आपको बहुत प्रोटेक्ट करने की एनर्जी यहाँ पे रहने वाली है। आपकी लाइफ में अगर कुछ ऐसे सिचुएशन है जो आपको हार्म कर सकते हैं, अगर आपको पता है देर इज समवन जो आपका अच्छा नहीं सोचता है, या कोई ऐसी सिचुएशन है, या कोई हेल्थ इशू है आपको, ठीक है, तो ये पर्सन आपको उससे प्रोटेक्ट करेंगे, या फिर उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। तो समवेयर ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट करेंगे, वो चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है थ्रू दीज टू कार्ड्स। एंड नाउ वी हैव द कार्ड ऑफ डिसरप्शन, बर्डन एंड फियर, इस पर्सन को कमिटमेंट को लेके इशू रह सकता है, ठीक है। ये पर्सन जो है इनको ऐसा फील हो सकता है, यहाँ पे पहले भी एनर्जी है कि ये पर्सन अपनी फैमिली से दूर रहते होंगे, तो इनको कहीं ना कहीं या तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेने से डर है, इनको ऐसा लगता है कि ये फैमिली में रह के फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से नहीं निभा सकते हैं, तो उस तरह का डर इनको रहेगा, ठीक है, जहाँ पर ये
कमिटमेंट से भागते हो या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेने से डरते हो, यहाँ पे भी डिसरप्शन है, तो ये चीज आपको हो सकता है पसंद नहीं होगी और इसके चलते थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और इस कनेक्शन में जब आप लोग मिलोगे, सो जो स्टार्टिंग के 12 मंथ्स होंगे या फर्स्ट एक साल होंगे, वहां पर थोड़े से इस चीज को लेके आप दोनों के बीच में बातें होंगी कि लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है और क्या चाहते हो, ऐसा आप इनसे पूछ सकते हो, बिकॉज आपको लगेगा दैट ये पर्सन जो है कमिटमेंट से भाग रहे हैं या फिर कमिटमेंट नहीं चाहते, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। सो लेट मी सी मोर, एक्सेप्टेंस, बीटर स्वीट, बैलेंस, या तो ये पर इसकी बेकरी हो सकती है या आपकी बेकरी हो सकती है, ओके okay? यहाँ पे ओह माय गॉड, कैन यू सी यहाँ पे एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन का कार्ड है। तो ऐसा हो सकता है कि पहले आप लोग रिलेशन में आओ, फिर आपको कुछ इस पर्सन के अंदर नेगेटिविटी लगे, फिर आप लोग एक दूसरे से सेपरेट हो जाओ, फिर वापस आओ, ऐसा हो सकता है। ये कनेक्शन ऑन एंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है एंड एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन का कार्ड है। तो हो सकता है कि या तो पहले रिजेक्ट करो फिर एक्सेप्ट करो, या एक्सेप्ट करने के बाद फिर रिजेक्ट कर दिया फिर कनेक्शन में आया, दैट इज द थिंग, यहाँ पे वो वाली बात हो सकती है। बीटर स्वीट का कार्ड है एंड आई विल टेक वन मोर कार्ड इसको क्लैरिफाई करने के लिए। ओके, परफेक्शन है, तो बीटर स्वीट है, तो ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आपको लगता है कि आपके भीतर में बहुत सारी नेगेटिविटी है या कुछ ऐसे क्वालिटीज है जो आपको, या कोई ऐसी ट्रेट है जो आपको पसंद नहीं आती आपकी, ठीक है, बट ये पर्सन आपको परफेक्ट देखेंगे, ठीक है, आप जैसे हो इसको परफेक्ट नजर आने वाले हो। सो परफेक्शन का कार्ड है, तो या तो आप अपने आप को, आप खुद को, आपकी सेल्फ इमेज, आपको ऐसा फील होता है कि आप जैसे हो अच्छे नहीं हो, आप अपने को ब्यूटीफुल नहीं मानते, आप अपने को इंटेलिजेंट नहीं समझते, तो ये पर्सन आपको परफेक्ट देखेंगे, ठीक है। और ये तो अपने आप को, मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि अपने आप को अपनी वैल्यू पहचानते हैं, ठीक है, अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हैं। यहाँ पे बैलेंस है एंड प्रेयर का कार्ड है। ओके, पर्सन जो है ना वो हमेशा चाहेंगे कि आपके लाइफ में एक बैलेंस रहे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप पास्ट में मैरिड थे, इस टाइम पे सिंगल हो, ठीक है, तो ये आपके लिए एक ऐसा कनेक्शन हो सकता है जो आपकी कोई शादी खत्म हुई है तो उसके बाद ये कोई अच्छा कनेक्शन आपके लाइफ में आने वाला है, या फिर इसके लिए ऐसा हो सकता है, ठीक है, तो वो चीज़ें हैं। एंड विद द कार्ड ऑफ प्रेयर एंड बैलेंस, ये आपके लिए हमेशा प्रे करेंगे गॉड से, ठीक है, कि आपके लाइफ में सभी चीज़ें अच्छी रहे, आपकी फैमिली में सभी चीज़ें अच्छी रहे, अगर आपकी किसी के साथ नहीं बनती है तो उसके साथ आपके कनेक्शन अच्छी हो जाए, रिलेशन अच्छी हो जाए, तो ये आपके लिए हमेशा प्रे करेंगे, आपकी भलाई हो ऐसी वो प्रेयर करेंगे, वैसी वो कामना करेंगे, ठीक है ना। एंड लेट मी सी और हमें क्या पता चल रहा है अबाउट दिस पर्सन। एट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ कप्स, ओके नाइस, टेम्परेंस, फाइव ऑफ सूड, सिक्स ऑफ वॉन्ड, जस्टिस, लिब्रा इंपॉर्टेंट हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं ये पर्सन, कुछ लोगों के लिए ऐसा समझा जा रहा है। एंड इस ऑप्शन को जिन्होंने सेलेक्ट किया है, ठीक है, एक ये एनर्जी आ रही है कि आप जो है वो शादी कमिटमेंट चाहते हो, ठीक है, मतलब आप जिसके साथ रिलेशन में जाना चाहोगे उसके साथ आप एक फैमिली चाहते हो विद द कार्ड ऑफ टेन ऑफ कप्स। एंड जब आप ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, डेफिनेटली यू विल फॉल इन लव विद दिस पर्सन, बट आपको लगेगा कि ये पर्सन जो है विद द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स वो प्यार चाहते हैं, बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैरिज से भाग रहे हैं, ठीक है, तो आपको लगेगा कि ये पर्सन जो कनेक्शन को लाइट ले रहे हैं, ठीक है। विद द कार्ड ऑफ फाइव ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर आपको इस पर्सन पे ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है, ये आपको लग सकता है कि ये पर्सन जो है आपका दिल तोड़ के वो चले जाएंगे, ऐसा आपको फील हो सकता है। ओके, एंड विद द कार्ड ऑफ टेन ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, इट मे हैपन कि ये कनेक्शन आपके लिए शादी तक जा सकता है, या फिर आप मैनिफेस्ट करोगे कि ये पर्सन जो है आपके लाइफ पार्टनर बने,
यहाँ पे भी टेम्परेंस का कार्ड है, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है, टेन ऑफ कप्स है, तो दोनों में से कोई एक पर्सन मुझे आपकी एनर्जीज दिख रही है यहाँ पर, इस पर्सन की ही नहीं, हो सकता आप मैनिफेस्ट करोगे मैरिज विद दिस पर्सन, तो आपकी यहाँ पे शादी होने के चांसेस है विद दिस पार्टनर ऑफ योर्स, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सेकंड मैरिज वाली कंडीशन भी हो सकती है, या थर्ड मैरिज के लिए भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कुछ लोगों की। यस, टू ऑफ कप्स है, समवन कैन बी अ क्रिश्चियन हियर, या ये पर्सन हो सकते हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो ये पर्सन जो है ना, बहुत इंतजार करने के बाद आपकी लाइफ में आएंगे, हो सकता है इनको बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलनी आती होगी, ठीक है, लैंग्वेजेस बोलनी आती होगी, इनके पास पर्ल हो सकती है, पर्ल का कोई बिजनेस करते हो, या इनके पास कोई खास मोती हो सकती है, ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, एंड इनके पास एक बहुत बड़ी घर होने वाली है। सो दीज आर द थिंग्स, एंड अगर ये फीमेल है तो इनको आई मेकअप बहुत अच्छा करने आता होगा, ठीक है। ये पर्सन अफ्रीका से हो सकता है, दिस पर्सन कैन बी फ्रॉम अफ्रीका, या अफ्रीका में बिजनेस करते हो, या वहाँ रहते हो, या सिटीजन हो सकते हैं वहाँ के, ठीक है। लेट मी सी आपका इस पर्सन के साथ जो कनेक्शन है वो कैसा है, कैसा रहेगा। किंग ऑफ कप्स, कंपैशनेट एंड वाइज लव, देन वी हैव एट ऑफ कप्स, क्रॉस रोड एंड एम्प्टीनेस, ठीक है, लॉन्ग टर्म एंड हार्मोनियस लव, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ सन। आई विल टेक फ्यू मोर कार्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड, एम्प्रेस, कंपैटिबल एंड सेंसुअल लव, चैलेंजिंग एंड थिंकेबल लव, डेयरिंग एंड चार्मिंग लव, ठीक है, ओके। पहले जब आप लोग कनेक्शन में आओगे तो हमारे पास कार्ड आ रहा है किंग ऑफ कप्स का, आपको ये पर्सन बहुत वाइज लगेंगे, कंपैशनेट लगेंगे, अच्छे लगेंगे, तभी तो आप इनके साथ रिलेशन में जाओगे, ठीक है, दैट इज द थिंग। बट यहाँ पर आ रहा है एट ऑफ कप्स का कार्ड, आप दोनों के बीच में कुछ तो ऐसा टाइम होगा जब आप लोग सेपरेट होंगे, ठीक है, या तो एक्सेप्ट करके रिजेक्ट करना, या रिजेक्ट करके एक्सेप्ट करना, दैट विल बी द थिंग। यहाँ पर वो चीज़ें रहने वाली, आप दोनों के रास्ते अलग होंगे, ठीक है, एंड यहाँ पे एक स्ट्रांग चांस है दैट आपकी इस पर्सन के साथ शादी हो सकती है अगर आप लोग चाहते हो, ठीक है। सन का कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड है, एंड वो चीज़ होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, एंड ऑल्सो ऐसा भी पॉसिबल है कि आप इस पर्सन के साथ कनेक्शन में गए बट फिर सेपरेशन हो गया, तो आपके लाइफ में कोई और भी आ रहा है, ठीक है, तो वो भी चीज़ हो सकती है, वो आपका फ्रेंड हो सकता है, ठीक है, एंड वो चीज़ इस पर्सन को इनसिक्योर फील कराएगा, और हो सकता है उसके बाद ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी। इस पर्सन को बहुत सोचना पड़ेगा कि ये कनेक्शन वो खोना नहीं चाहते हैं, इसके लिए उनको क्या करना है, सो ये सारी चीज़ इसको समझ में आने वाली है, ऐसे सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि इस कनेक्शन के लिए एंजल्स को क्या गाइडेंस देना है, क्या मैसेजेस है। लेट गो, यस, गो का कार्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको इस कनेक्शन को यूनिवर्स पे सरेंडर करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे चांसेस है आप दोनों के मिलने के बाद एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर सेपरेशन का टाइम होगा, एंड आपको उसको भगवान के ऊपर छोड़ना है, लेट गो करना है, बहुत टेंशन नहीं लेना इस कनेक्शन के लिए, कम्युनिकेट क्लियरली, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन बना के रखेंगे आप इस पार्टनर के साथ तो चीज़ें आसान होंगी, एंड लिसन टू योर इंट्यूशन, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग अगर हो आप दोनों के बीच में, देन लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन की सुनिए, ये आपके लाइफ में ये जो कनेक्शन आएगा तो ये इवेंचुअली आपको खुशियाँ देगा, बिग हैप्पी चेंजेस है, बट थोड़े से यहाँ पे मुझे वो दिख रहा है लाइक अप्स एंड डाउन्स, थोड़े स्ट्रगल्स, आप इनसे कब तक मिलोगे, एट द एज ऑफ 25, आपकी 25 जब एज होगी तब आप मिल सकते हैं, सितंबर एंड दिसंबर, संडे ट्यूसडे वेडनेसडे, एज ऑफ 30 अगस्त, फ्राइडे थर्सडे मंडे सैटरडे, 5 months एंड 10 years आ रहा है कुछ लोगों के लिए, ओके, एंड यहाँ पे ना पूरा 7 दिन आ गए, ठीक है, लाइक संडे टू सैटरडे, तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, आप लोग 1 week में भी मिल सकते हो इस पर्सन से, ठीक है, 6 months, एज ऑफ 28, सो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई जा रही है। सो ऑप्शन नंबर 3, दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप सो रीडिंग आपको अच्छी लगी है, मुझे बताइएगा ज़रूर, हम मिलेंगे दूसरे रीडिंग में, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।